हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ईस्टवे शिप मैनेजमेंट कंपनी के बारे में। मुझे इस कंपनी के बारे में रिक्वेस्ट मैसेज आ रहे थे कि भाई ईस्टवे शिप मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर भी वीडियो बनाओ। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम प्रॉपर इस कंपनी के ऊपर डिस्कस करेंगे। कैसी कंपनी है, कौन कौन से वैसल है इस कंपनी में, कैसे ज्वाइनिंग करें, कितनी सैलरी है, इन सब टॉपिक पे बात करेंगे। और साथ में गाइज, ये वीडियो डेक कैडेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो गाइज, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने डेक कैडेट के साथ शेयर करें ताकि उनके लिए ये एक हेल्पफुल वीडियो हो सके। तो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गाइज मेरी एक रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगे तो गाइज वीडियो के एंड में इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, ईस्ट वे शिप मैनेजमेंट कंपनी बेसिकली ये गाइज सिंगापुर बेस्ड कंपनी है। ईस्ट वे शिप मैनेजमेंट जो है गाइज, वो एक ऑनरशिप मैनेजमेंट कंपनी है। और ये कंपनी गाइज एक्सप्रेस फीडर ग्रुप की ही कंपनी है। एक्सप्रेस फीडर जो है गाइज, वो एक सिंगापुर का कंटेनर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा कंपनी है। उसी की ये मेंबर कंपनी ईस्ट वे शिप मैनेजमेंट जो है। ईस्ट वे शिप मैनेजमेंट गाइज एक अच्छी कंपनी है और इस कंपनी का जो हेड ऑफिस है गाइज, वो सिंगापुर में है। और इंडिया में इस कंपनी का जो ऑफिस है गाइज, वो मुंबई अंधेरी ईस्ट में है, जो कि ईस्ट वे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड है। और गाइज, ये ऑफिस जो है वो 2022 जून में रजिस्टर्ड हुआ है, जिसका एड्रेस भी गाइज आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ईस्ट वे शिप मैनेजमेंट जो गाइज, वो एक आरपीएसएल रजिस्टर्ड कंपनी है। और इस कंपनी का आरपीएसएल नंबर जो है वो MUM162104 है, जो कि डीजी शिपिंग द्वारा अप्रूव्ड है और 2027 तक वैलिड है। ईस्ट वे शिप मैनेजमेंट गाइज सिंगापुर की कंपनी है, अच्छी कंपनी है। इस कंपनी के पास गाइज सभी जो है वो कंटेनर वैसल हैं। टोटल इस कंपनी के पास अभी जो है वो 58 वैसल्स है और इस कंपनी के 30 वैसल जो गाइज अभी वो यार्ड में रेडी हो रहे हैं। 2023 के एंड और 2024 के मिड तक गाइज वो रेडी हो जाएंगे इस कंपनी के पास। टोटल अभी इस कंपनी के पास 58 वैसल है। और इस कंपनी के पास जो वैसल है गाइज, आपको छोटे जीआरटी से लेकर बड़े जीआरटी तक के वैसल मिलेंगे। इस कंपनी के पास गाइज आपको 700 टीयू से लेकर 7000 टीयू तक की कैपेसिटी के कंटेनर वैसल मिल जाएंगे। और गाइज, अगर आपको इस कंपनी में अप्लाई करना है तो गाइज आप इस कंपनी में एज अ फ्रेशर रेटिंग भी अप्लाई कर सकते हो, एज अ ट्रेनी ओएस और ट्रेनिंग वाइपर, अगर आप जीपी रेटिंग पास आउट हो तो। क्योंकि गाइज अभी ये कंपनी फ्रेशर को हायर कर रही है अपनी कंपनी के लिए, और गाइज ये कंपनी फ्रेशर डेकेड को भी हायर करती है। वीडियो के एंड में बताऊंगा कि गाइज आप इस कंपनी में एज अ फ्रेशर डेकेड के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। और गाइज, अगर आपके पास एक या दो वैसल का एक्सपीरियंस है, चाहे आपके पास एक या दो कंटेनर वैसल का एक्सपीरियंस है, वॉच कीपिंग है, सीओपी है, तो गाइज आप एवी और ओलर रैंक के लिए अप्लाई कर सकते हो। और गाइज, अगर आप इस कंपनी में एज अ ऑफिसर रैंक के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो गाइज ये कंपनी मिनिमम 12 मंथ का रैंक एक्सपीरियंस मांगती है, तभी गाइज आप इस कंपनी में एज अ ऑफिसर रैंक के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपके पास मिनिमम 12 मंथ का रैंक एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफिसर के लिए। और गाइज, इस कंपनी की सैलरी की बात करूँ तो गाइज इस कंपनी में सैलरी अच्छी है। इस कंपनी में एवी ओलर की जो सैलरी है गाइज, वो 1200 से 1400 डॉलर तक है। कुक की इस कंपनी में 1200 से भी 1400-1500 डॉलर तक जाती है। इस कंपनी में सैलरी अच्छी है गाइज। और ट्रेनिंग को गाइज ये 450-500 डॉलर तक देती है। अच्छी कंपनी है गाइज। और गाइज, इस कंपनी की कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो गाइज ये सीनियर ऑफिसर को जो है वो गाइज वो 4 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट देती है और क्रू को जो है वो गाइज 9 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड देती है। अगर गाइज आपको इस कंपनी में अप्लाई करना है तो गाइज आपको मैं इस कंपनी का ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल गाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो गाइज वहां से जाके इस कंपनी में आप अप्लाई कर सकते हो। इस कंपनी के वैसल पे जो है गाइज आपको हमेशा मिक्स क्रू मिलेगा। इसमें आपको इंडियन, फिलीपींस, श्रीलंकन, सिंगापुर, बांग्लादेश, यूक्रेन, यूके, इन सब कंट्रियों का क्रू मिलेगा। और खाना पीना भी ठीक है इस कंपनी में गाइज, आपको खाना पीना भी टाइम टू टाइम मिल जाता है, सैलरी भी टाइम टू टाइम मिल जाती है। और अब हम बात करते हैं गाइज कि कैसे आप इस कंपनी में एज अ फ्रेशर डेक कैडेट और इंजन कैडेट अप्लाई कर सकते हो। तो गाइज, जिनके पास स्पॉन्सरशिप नहीं है और वो पास आउट होके घर पे बैठे हैं, जिनके पास जॉब नहीं है, तो गाइज वो इस कंपनी में
एज अ फ्रेशर डेक कैडेट और इंजन कैडेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए सिंपली गाइज मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दूंगा, वहां पे जाके गाइज आपको सिंपली लिंक को ओपन करना है और वहां पे ओपन करके गाइज आपको वहां पे अपना डिटेल और क्वालिफिकेशन जो भी मांगा है डिटेल वो आपको वहां पे फिल करना है और साथ में आपको अपना सीवी अपलोड करना है। तो गाइज इस तरह से आप इस कंपनी में एज अ फ्रेशर डेक कैडेट और इंजन कैडेट अप्लाई कर सकते हो। गाइज अच्छी कंपनी है ये कंपनी, गाइज आपको परमानेंट एम्प्लॉयमेंट देती है, खाना पीना भी ठीक है इस कंपनी में। अगर गाइज आपका एक बार इस कंपनी में सिलेक्शन हो गया तो अच्छा है। ये कंपनी गाइज फ्रेशर डेक कैड और इंजन कैड को $400 से $500 देती है, सेम एज पर रेटिंग आप जो आपको फ्रेशर रेटिंग पे देती है उसी तरह गाइज ये $400 से $500 फ्रेशर डेक कैड और इंजन कैड को देती है। तो गाइज आपके पास एक अच्छा चांस है अपना करियर स्टार्ट करने के लिए, अच्छी कंपनी है। पहले गाइज इस कंपनी के लिए इंडिया से मैरिन सॉल्यूशन करके कंपनी है शायद, वो इस कंपनी के लिए मैंने करती थी गाइज, बट अभी इस कंपनी का अपना ऑफिस है तो गाइज आप इस कंपनी में अप्लाई कर सकते हो और इस कंपनी का ऑफिस का एड्रेस भी गाइज आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना था, अगर गाइज आपको ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ गाइज इस वीडियो को कम से कम 3 दोस्तों को जरूर सेंड करें जिनके लिए ये हेल्पफुल वीडियो हो सकता है। और गाइज अगर आपको कोई क्वेश्चन या आपकी कोई क्वारी रहती है तो गाइज आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या फिर इंस्टा पे आप मुझे फॉलो करके गाइज पर्सनली मैसेज कर सकते हो। तो गाइज आज की वीडियो बस इतना था, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।